तो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का सोशल साइंस का डेमोक्रेसी इन इंडिपेंडेंट इंडिया का द हिंदू कोड बिल 1952 टू 1956। ये देखो, ये जो हिंदू कोड बिल है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस आपके नॉलेज पर्पस के लिए भी, कि ये जो हिंदू कोड बिल था ये क्या ऐसा था जिसके कारण से जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स थे, उनको क्या करना पड़ गया था, रेजिग्नेशन जो है इनको देना पड़ गया था। देखो, इवन फर्स्ट बिफोर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड प्रिपेयर्ड अ हिंदू कोड बिल टू इंश्योर वुमेन्स राइट इन हिंदू सोसाइटी, इरेडिकेट कास्टिज्म एंड द सिंप्लीफाई द लॉज गवर्निंग द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड द प्रॉपर्टी। जब हमारा फर्स्ट इलेक्शन नहीं स्टार्ट हुआ था, 1952 से पहले ही ये बात चल रहा था, क्योंकि हमारा जनरल इलेक्शन कब हुआ था, पहला जनरल इलेक्शन 1952 में हुआ था। तो 1952 से पहले ही जो हमारे कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, जो उसको बनाने वाले लोग थे, वो हिंदू कोड बिल पर जो है क्या कर रहे थे, पहले से ही बात कर रहे थे। और वो क्या बात कर रहे थे, जो हिंदू रिलीजियस में जो वुमेन्स हैं उनकी कंडीशंस को कैसे सुधारा जाए, उनके राइट्स उनको कैसे प्रोवाइड किया जाए, जो हिंदू रिलीजियस में जो भी कास्टिज्म सिस्टम या जो भी प्रॉब्लम, उसको इरेडिकेट किया जाए, उसको कैसे खत्म किया जाए करके। ठीक है, द डॉक्टर अंबेडकर प्लेड अ लीडिंग रोल इन प्रिपेयरिंग द बिल एंड द रिप्रेजेंटिंग प्रेजेंटिंग इट टू द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। और इसको बनाने में जो भीमराव अंबेडकर थे उनका एक बहुत बड़ा रोल था, उन्होंने ही क्या कहते हैं हिंदू कोड बिल को पूरी तरीके से प्रिपेयर किया था और उसको कंस्टिट्यूएंट असेंबली में जो है उन्होंने प्रिपेयर किया था। ये कहानी चल रही है फर्स्ट जनरल इलेक्शन के पहले, मतलब जब कंस्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा बन रहा था, हमारे देश का संविधान बन रहा था, उस समय की बात ये चल रही, उस समय ही हिंदू कोड बिल को जो है कॉन्स्टिट्यूशन में डालने की बात जो है हो रही थी। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ऑल्सो फेवर्ड द बिल बट कंजर्वेटिव हिंदू स्ट्रांगली अपोज्ड इट। जो हमारे उस समय के बहुत बड़े लीडर थे जवाहरलाल नेहरू, वो भी इस हिंदू कोड बिल के क्या थे, फेवर में थे। ठीक है, वो भी ये बोल रहे थे कि हाँ हिंदू कोड बिल जो है होना चाहिए और ये सही है करके। सो द कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस द बिल आफ्टर द इलेक्शन। और इसके बाद जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, जैसे हमारा जनरल इलेक्शन हो जाएगा 1952 में, हम लोग क्या करेंगे, इस बिल को जो है इंट्रोड्यूस जो है कर देंगे। अपसेट बाय द डिसीजन डॉक्टर अंबेडकर रिजाइन फ्रॉम द कैबिनेट। देखो अब क्या हुआ, इनका जो है अपोजिशन हुआ, मतलब जो अंबेडकर चाहते थे कि हिंदू कोड बिल को क्या किया जाए, इंट्रोड्यूस किया जाए, उसके अगेंस्ट में बहुत सारे लोग थे, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भी क्या थे, इनके फेवर में नहीं थे कि हिंदू कोड बिल पास नहीं होना चाहिए करके बोल रहे थे। तो इन सब अपोजिशन के कारण से क्या हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है क्या करना पड़ा, कैबिनेट से जो है रिजाइन जो है करना पड़ गया, मतलब अपना मिनिस्टर का पद जो है इनको छोड़ना पड़ गया, क्योंकि इन्हीं के पार्टी के लोग ही इनका सपोर्ट जो है उस समय नहीं कर रहे थे। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंटेंट ऑफ दिस बिल दैट जनरेटेड सो मच पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। तो हम लोग समझते हैं कि इस बिल में ऐसा क्या था जिसके कारण से इतना ज्यादा पॉलिटिकल जो है कंट्रोवर्सी जो है हुई थी। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल अ कॉमन लॉ फॉर क्राइम कॉल्ड द क्रिमिनल कोड। ठीक है, देखो जिसको हम लोग सीआरपीसी भी बोलते हैं, क्रिमिनल पिनल कोड करके। देखो जब हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स थे तब भी वहां पर क्राइम के लिए जो है क्या था, एक कॉमन लॉ था, जैसे रॉबरी हो गया, लूटपाट हो गया, मर्डर हो गया, इन सब के लिए जो रूल था वो सबके लिए एक जैसे था, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, सबके लिए जो क्रिमिनल कोड था वो सेम था। ठीक है, इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री में सबके लिए सेम था। बट इन मोस्ट अदर एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ सच एज मैरिज, फैमिली, प्रॉपर्टी, एडॉप्शन एटसेट्रा, ईच रिलीजियस हैड इट्स ओन लॉस अकॉर्डिंग टू इट्स बिलीफ एंड द ट्रेडिशन। क्रिमिनल के लिए जो लॉस थे वो सबके लिए सेम थे, लेकिन क्रिमिनल के अलावा जो अदर एस्पेक्ट्स है, जैसे मैरिज हो गया, जैसे फैमिली हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, एडॉप्शन हो गया, इन सब के लिए एक कॉमन रूल नहीं था। इन सब के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, अलग अलग रिलीजियस के लोगों के लिए जो है अलग अलग लॉज जो है बना दिया गया था। ठीक है, जैसे मुस्लिम में क्या था उस समय, कि एक मुस्लिम मेल जो है कितनी भी चाहे शादी कर सकता है, वहीं पर जो है जो हिंदू मेल है वो दो से ज्यादा शादी नहीं कर सकता। प्रॉपर्टी जो है क्या होगी, मतलब जो हिंदू रिलीजियस में ये था कि जो भी फादर की प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफरेबल होगी किसको, सन को होगी, डॉटर को नहीं होगी। इस तरीके से हिंदू में, मुस्लिम में, क्रिश्चियन में अलग अलग बिलीफ के हिसाब से जो है लॉज जो थे वो क्या थे, अलग अलग थे।
बाकी जो क्रिमिनल लॉ थे मर्डर का रॉबरी का वो सब सेम था, लेकिन बाकी सबके लिए जो लॉज थे बच्चे कितने होंगे ये सब के लिए जो अलग अलग जो है रोल्स जो है थे। ऑफन देर वर डिफरेंट लीगल प्रैक्टिसेस इवन विद इन द सेम रिलीजियस। सेम रिलीजियस में भी क्या था कि अलग अलग जो है क्या थे बिलीफ थे। इन मोस्ट केसेस द रिलीजन स्पेसिफिक लॉज वेर बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर मेल परस्पेक्टिव विच मीन्स दैट वुमेन वेर नॉट इक्वल राइट्स। मतलब ऑलमोस्ट सारे रिलीजियस में एक चीज जो कॉमन थी वो क्या थी कि जो सोसाइटी थी वो कैसी थी मेल्स क्या थी परस्पेक्टिव थी। मतलब सारे रिलीजियस में या सोसाइटी में बोल सकते हैं मेल्स का ही डोमिनेंस था, फीमेल्स को उस समय इक्वल राइट जो है नहीं था। हिंदू सोसाइटी सॉ मेनी रिफॉर्म मूवमेंट फ्रॉम अर्ली इन 19th सेंचुरी दैट सॉट टू गिव वुमेन इक्वल राइट्स एंड द पुट इन द एंड ऑफ द कास्ट सिस्टम। 19th सेंचुरी से ही क्या हुआ था हमारे इंडिया में जो है रिफॉर्म जो है स्टार्ट हो गया था। जैसे दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ये ऐसे कुछ लोग थे जो कि जो फीमेल के साथ जो गलत चीज हो रहा था उसके लिए आवाज उठाते थे। जैसे आप लोगों को पता होगा कि एक सती सिस्टम था, सती सिस्टम मतलब जो कि 19th सेंचुरी के आते आते जो है खत्म हो गया था, ठीक है, थैंक्स टू डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ने उसको खत्म किया था। क्या था कि जैसे बहुत किसी का हस्बैंड अगर मर गया, ठीक है, तो उसकी वाइफ को क्या किया जाता था उसी के साथ जो है जला दिया जाता जिंदा, ये कहलाता सती सिस्टम कहलाता था, ठीक है। उसके बाद और भी कैसे कैसे प्रॉब्लम थे कि जो गर्ल्स थी उनको एजुकेशन का राइट्स नहीं था, ठीक है, स्कूल नहीं जा सकती थी, वो इंग्लिश नहीं पढ़ सकती थी। ये सारे बाउंडेशन थे जो कि 19th सेंचुरी के आते आते जो है बहुत सारे जो रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे उन्होंने जो है मूवमेंट स्टार्ट किया और ये धीरे धीरे चीजें जो है क्या होती गई खत्म होते गई। लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो अभी भी बनी हुई थी। द लार्ज नंबर ऑफ वुमेन एंड सो कॉल्ड लोअर कास्ट पीपल हु पार्टिसिपेट इन फ्रीडम मूवमेंट ऑल्सो एक्सपेक्टेड इंडिपेंडेंट इंडिया टू पास लॉज टू इम्प्रूव देयर सोशल कंडीशन। ये तो 19th सेंचुरी में रिफॉर्म हुआ। उसके बाद जो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, बहुत सारे लोग जो थे जो कि इंडिपेंडेंस के लिए जो है लड़े थे, वो सब ये चाहते थे कि जैसे ही हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस हो वुमेन्स के लिए भी क्या हो इक्वल राइट्स हो, सबके लिए इक्वल लॉ हो, इक्वल राइट हो। ऐसा नहीं कि मेल्स के लिए ज्यादा फेवरेबल हो, फीमेल्स के लिए जो अनफेवर हो, ऐसा कुछ भी चीज नहीं होना चाहिए। द हिंदू कोड बिल वॉज प्रिपेयर टू मीट दिस एस्पिरेशन। इट ट्राइड टू यूनिफाई द डिफरेंट लॉज दैट प्रिवेल्ड अमंग द डिफरेंट हिंदू सेक्ट्स एंड द विजुअलाइज्ड अदर इंपॉर्टेंट रिफॉर्म द हिंदू सोसाइटी। इट्स इंपॉर्टेंस प्रपोजल इंक्लूड द फॉलोइंग। और इसी चीज को फुलफिल करने के लिए कि सोसाइटी में इक्वल राइट्स होना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इसी पर्पस के लिए हिंदू कोड बिल को जो है इंट्रोड्यूस जो है किया गया था। सो आई होप आपको बेसिक जो है समझ में आ गया होगा कि हिंदू कोड बिल को लाना क्यों पड़ा, क्योंकि वुमेन्स की जो कंडीशन थी वो क्या थी, बहुत ज्यादा जो है खराब थी। अच्छा, अब आगे बात करेंगे एक और चीज के बारे में। पहले समझ लेते हैं कि हिंदू कोड बिल में क्या क्या चीजें जो है इंट्रोड्यूस थी। देखो, इफ द हेड ऑफ अ फैमिली डाइस विदाउट लिविंग अ विल, विल मतलब होता है जिसको आप बोलते हैं जायदाद, ठीक है, जायदाद मतलब वसीयत जिसको बोलते हैं ना वो, देन हिज वाइफ एंड डॉटर विल गेट एन इक्वल शेयर ऑफ हिज प्रॉपर्टी एज मेल्स हियर्स। अगर कोई घर का एक हेड आदमी है और उसने अपना विल जो है नहीं लिखा है, मतलब वसीयत जो है नहीं लिखी है कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर होगी, तो उस केस में हिंदू कोड बिल ये कहता है कि अगर ऐसा प्रॉपर्टी अगर किसी ने नहीं लिखा है, विल में नाम नहीं लिखा है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वाइफ में, उसके डॉटर में और उसके सन में बराबर बराबर क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट जो है होगी। अर्लियर ओनली सन वेयर गिवन अ शेयर इन द प्रॉपर्टी। हिंदू कोड बिल अभी पास नहीं हुआ है ना, हिंदू कोड बिल अभी पास नहीं हुआ है, पहले के कंडीशन में क्या था और हिंदू कोड बिल में क्या था वो बताया जा रहा है। तो हिंदू कोड बिल इंट्रोड्यूस जब नहीं हुआ था तो उससे पहले पूरी प्रॉपर्टी जो है किसके नाम पे हो जाती थी, जो उसका सन है उसके नाम पर जो है होती थी। सेकंड, मैरिंग फॉर अ सेकंड टाइम व्हेन द हस्बैंड और वाइफ इज स्टिल अलाइव इज इलीगल। देखो, हिंदू कोड बिल में ये कहा गया कि जो हिंदू मेल है या फीमेल है, अगर उसका हस्बैंड या उसका अगर वाइफ फर्स्ट वाला जो है जिंदा है, तब वो सेकेंड शादी जो है नहीं कर सकता। द रूल अर्लियर अप्लाइड ओनली टू वुमेन। ये जो रूल था ये सिर्फ और सिर्फ पहले किसके लिए था, वुमेन्स के लिए था। मतलब अगर किसी वुमेन की शादी हो गई, अगर उसका हस्बैंड अगर जिंदा है तो वो दोबारा शादी नहीं कर सकती थी। लेकिन जो मेल्स था, जो मेल्स जो थे उस समय,
वो वाइफ के होते हुए भी दूसरी तीसरी कई बार चौथी शादी अभी जो है कर सकते थे, उनको अलाउड था। लेकिन हिंदू कोड बिल में क्या कहा गया कि ऐसा जो है नहीं होगा। तीसरा पॉइंट उसमें था, मेन एंड वुमेन हैन इक्वल राइट्स टू डिमांड अ डाइवोर्स इन अ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। पहले क्या होता था कि जो मेल जो होते थे वही डाइवोर्स कर देते थे, फीमेल्स को छोड़ देते थे। मतलब अगर कोई फीमेल छोड़ना चाहती थी तो उसको राइट्स नहीं था। लेकिन हिंदू कोड बिल में ये कहा गया कि जो हस्बैंड है चाहे वो वाइफ है, दोनों को इक्वल राइट है कि वो डाइवोर्स के लिए क्या कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसा स्पेशल सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो जाता है जहां पर दोनों का साथ रहना पॉसिबल नहीं है, तो वहां पर दोनों डाइवर्स के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई जो है कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या था, इंटरकास्ट मैरिज आर लीगली परमिसिबल। पहले क्या था, आज के डेट में भी है वैसे लेकिन कम हो गया है, जो इंटरकास्ट जो मैरिज था वो पहले बहुत ज्यादा प्रोहिबिटेड था। मतलब इंटरकास्ट मैरिज बहुत रेयरली होता था, ठीक है। उस समय जो है इंदिरा गांधी जो थी हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, उसने भी इंटरकास्ट मैरिज किया था, तो बहुत ज्यादा जो है क्या हुआ था, हंगामा हुआ था। इवन उसके जो फादर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने उसको क्या किया था, छोड़ दिया था। तो सोचो कि इस लेवल पर उस समय इंटरकास्ट मैरिज था, इतने बड़े पढ़े लिखे लोगों के साथ था, तो सोचो कि जो कॉमन पीपल थे उनके साथ इंटरकास्ट मैरिज जो है कितना बड़ा प्रॉब्लम था। लेकिन हिंदू कोड बिल में ये कहा गया कि जो क्या बोलते हैं, इंटरकास्ट जो मैरिज है वो गलत नहीं है, वो इलीगल नहीं है, वो लीगल है करके। और आखिरी पॉइंट हिंदू कोड बिल में ये था कि इट इज लीगल टू अडॉप्ट अ चाइल्ड ऑफ एनी कास्ट। मतलब अगर कोई कपल अगर अडॉप्ट करना चाहते हैं कोई बच्चा, तो वो अडॉप्ट कर सकता है, और वो जो बच्चा है वो जरूरी नहीं है कि किसी मतलब उसी के कास्ट का हो, वो किसी भी कास्ट के बच्चे को क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट जो है कर सकते हैं। ये चार पांच इंपॉर्टेंट पॉइंट, और छोटे छोटे और पॉइंट्स और भी थे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे ये पांच पॉइंट्स थे जिसके बेसिस पर हिंदू कोड बिल को जो है इंट्रोड्यूस जो है किया गया था और उसको पास कराने के लिए बात कही जा रही थी। लेकिन हुआ क्या, देखो कंजर्वेटिव हिंदू अपोज्ड दिस प्रोविजन सेइंग दिस वायलेंस द टेनेट्स ऑफ द हिंदुइज्म एंड वुड लीड टू ब्रेक डाउन द हिंदू सोसाइटी। लेकिन जो कंजर्वेटिव लोग थे, कंजर्वेटिव मतलब जो रूढ़िवादी थे, जो मानते थे मतलब पुरानी बातों को ज्यादा मानते थे, ये लोग बोलने लगे ये प्रोविजन गलत है, इससे क्या होगी पूरी हिंदू सोसाइटी जो है क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। दे इंक्लूड नॉट जस्ट ट्रेडिशनल पार्टीज लाइक द हिंदू महाराष्ट्र एंड द जनसंघ, बट ऑल्सो सीनियर कांग्रेस लीडर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो उस समय बहुत बड़े बड़े ट्रेडिशनल पार्टीज थे, जैसे हिंदू महासभा, ठीक है, जनसंघ, जनसंघ ये, और उसके अलावा ये दो बड़े बड़े क्या थे, ट्रेडिशन थे, पार्टीज थे, इन्होंने तो अपोज किया। साथ ही साथ कांग्रेस के भी जो लीडर थे, सीनियर लीडर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आगे चलकर हमारे देश के जो है फर्स्ट क्या बने, प्रेसिडेंट बने, इन्होंने भी इस बिल का क्या क्या था, अपोजिशन किया था। अपोजिंग देम वेर द रिफॉर्मिस्ट हिंदू एंड द वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु सेड द कॉन्स्टिट्यूशनल विजन ऑफ जस्ट इक्विटेबल सोसाइटी कैन नॉट बी अचीव विदाउट द इरेडिकेटिंग द कास्ट सिस्टम एंड द गिविंग वुमेन इक्वल राइट्स। लेकिन जो हिंदू कोर्ट के सपोर्ट में थे, वो चाहे वो फीमेल्स हो चाहे वो मेल्स हो, वो ये बोल रहे थे कि अगर इंडिया को आगे बढ़ना है, डेवलपमेंट करनी है, सोसाइटी में इक्वालिटी अगर लानी है, तो जो पुराने चीजें हैं, जो कि खराब चीजें हैं, जब तक उसको इरेडिकेट नहीं किया जाएगा तब तक जो है, और वुमेन्स को जब तक इक्वल राइट नहीं दिया जाएगा तब तक जो है हमारा कंट्री डेवलपमेंट नहीं कर सकता। द बिल वॉज अ मेजर पोल इश्यू इन द 1952 इलेक्शन एंड द कांग्रेस विक्ट्री वीकेंड इट्स अपोनेंट। अब ये कब की बात हो रही थी, हिंदू कोड बिल अभी तक जितना हमने पढ़ा वो कहानी कब की है, जब पहला जनरल इलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही पहला जनरल इलेक्शन हुआ और जो कांग्रेस जो है वो पहले जनरल इलेक्शन में क्या हो गया, जीत के आ गया, तब इसका जो अपोजिशन जो कर रहे थे लोग, अब वो धीरे धीरे क्या होने लगे, कम होने लगे। हाउएवर फोर सेपरेट लॉस वेर पास्ड इंस्टेड ऑफ अ सिंगल लॉ। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने, अंबेडकर ने भी कुछ क्या किया इसमें, चेंजेस की, और इन्होंने क्या किया, हिंदू कोड बिल को एक साथ लागू ना करके उसको चार अलग अलग सेपरेट सेपरेट बिल्स में जो है क्या क्या उन्होंने जो है इसको इंट्रोड्यूस जो है किया। नेवरदलेस गिविंग इक्वल राइट्स टू द वुमेन वाज अ बिग स्टेप इन द सोशल चेंज इन द सोसाइटी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सोसाइटी में जो चेंज हुआ था वो था वुमेन्स को इक्वल राइट देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। One argument that repeatedly come up during the debate of the Hindu Code Bill was, why should such a law be enacted only for Hindus? देखो, अगर आपने ध्यान से चीजों को सुना होगा, समझा होगा,
तो आपके दिमाग में भी ये चीज आ रही होगी कि उस समय तो हमारे इंडिया में क्रिश्चियन भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, पंजाबी भी थे, सिंधी लोग भी थे। तो ये जो बिल है, ये बिल सिर्फ हिंदू रिलीजियस को टारगेट क्यों कर रहा था? और ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है, अगर आप ध्यान से समझ रहे हो तो। डॉक्टर अम्बेडकर एंड नेहरू आर्ग्यूड दैट अदर रिलीजियस डिड नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म मूवमेंट लाइक हिंदुइज्म, सो देयर फॉलोअर्स वुड अपोज एनी रिफॉर्म लॉ फॉर देयर रिलीजियस और अ यूनिफाइड सिविल कोड फॉर द कंट्री। ऑल्सो द इंडियन मुस्लिम वेयर ऑलरेडी वरीड अबाउट देयर रिलीजियस फ्रीडम आफ्टर द पार्टीशन, सो पासिंग सच अ लॉ ऑफ मुस्लिम वुड ओनली अलाइंटेड देम फर्दर। देखो, तो इस क्वेश्चन का जवाब देते हुए अम्बेडकर और नेहरू ने कहा कि पहली चीज तो ये है कि जो इम्प्रूवमेंट है वो बड़े चीजों पर होती है, छोटे चीजों पर नहीं होती। मतलब अब हमारे कंट्री में जो हिंदू थे वो बहुत ज्यादा थे, तो ऑब्वियस ही बात है जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी उसमें रिफॉर्म करने की जरूरत ज्यादा होगी, तभी तो आगे बढ़ेगा। और दूसरा चीज ये बोला गया कि ये जो कंडीशन है 1952-1953 का जो सिचुएशन है वो अभी के लिए फेवरेबल नहीं है, क्योंकि जो मुस्लिम है, जो क्रिश्चियन है, वो ऐसे ही डरे हुए हैं कि उनके रिलीजियस का क्या होगा, ठीक है, क्योंकि अब माइनॉरिटी हो गई है, क्योंकि जितने भी मुस्लिम लोग जो थे मोस्टली इंडिपेंडेंस के बाद जो पाकिस्तान चले गए थे, तो जो बचे थे जो नहीं गए थे उनके मन में ये डर था कि इंडिया में हमको इक्वल राइट्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब चीजें थी। क्रिश्चियन लोगों को भी यही चीज था, डाउट था। तो अगर उनके रिलीजियस में अभी हम लोग रिफॉर्म ले आते हैं तो उनका पूरा रिलीजियस क्या हो जाएगा, अनस्टेबल जो है हो जाएगा। इसी उनमें भी आएगा बाद में, लेकिन फिलहाल जो अभी सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट जो नीड है वो है हमारा हिंदू रिलीजियस, जहां पर हमको क्या करने की जरूरत है, रिफॉर्म करने की जरूरत है। और काफी हद तक इनकी बातें जो थी वो क्या थी, काफी हद तक क्या बिल्कुल सही थी अम्बेडकर और नेहरू की ये बातें। दैट इज वाई द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट दैट द कॉमन पर्सनल लॉ फॉर द इंटायर कंट्री विल पास ओनली वेन द राइट टाइम कम्स। और उन्होंने ये कहा कि जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे ना, तो वहां पर एक जो है पार्ट फोर में डीपीएसपी नाम का एक क्या आता है, पार्ट आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी करके, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी करके। तो इसमें यह कहा गया कि जब सही टाइम आएगा, तो सही टाइम आएगा तो हम लोग सारे रिलीजियस में क्या करेंगे, सुधार जो है करेंगे, ठीक है। तो ये हिंदू कोड बिल है जिसको मैंने थोड़ा सा डिटेल में आपको बताया, चाहता तो मैं 3-4 पॉइंट से आपको एक्सप्लेन करके छोड़ देता, लेकिन ये आपके एग्जाम पर्पज के लिए नहीं, बल्कि ये आपके जो है आगे के चीजों के लिए भी क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो आज के डेट में जो भी आपको राइट जो मिल रहा है ना, कि आपके पापा की जो प्रॉपर्टी उस पर 50% कंट्रीब्यूशन आपका भी है, आपके ब्रदर का भी है, सिस्टर का भी है, ये क्यों पॉसिबल हो पाया, ये इन्हीं हिंदू कोड बिल के कारण जो है पॉसिबल जो है हो पाया। अगर किन्हीं कपल्स में अगर डाइवर्स हो रहा है, चाहे मेल ले रही चाहे फीमेल ले रहा, वो पॉसिबल क्यों हो पाया, इसी हिंदू कोड बिल के कारण जो है पॉसिबल जो है हो पाया। तो ये बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रिफॉर्म था। अब देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, देखते हैं। इफ दीज फोर लॉ हैड नॉट बीन पास्ड, व्हाट इंपैक्ट वुड इट हैव ऑन द कंडीशन ऑफ द वुमेन। ये आपसे ये जानना चाहता है कि अगर ये जो हिंदू कोड बिल है जो कि चार पार्ट में जो है क्या हुआ था, चार लॉस के बेसिस पर चार पार्ट में जो है पास हुआ था, अगर मान लो ये पास नहीं होता तो उस समय वुमेन्स की जो कंडीशन है वो क्या होती। तो उस समय वुमेन्स की जो कंडीशन है आज जैसा देख रहे हो उससे 10 गुना जो है वर्स्ट होती। वर्स्ट मतलब बहुत खराब होती, मतलब सिंपल सा वो एक कठपुतली बनकर जो है रह जाती, उनको कोई राइट जो है नहीं मिलता। हिंदू कोड बिल के कारण ही उनको आगे बढ़ने का बहुत बड़ा एक जो है क्या मिला था, बैकग्राउंड जो है उनको सपोर्ट जो है मिला था, ठीक है। सेकंड आगे देखो, व्हाट रोल कैन इंटर कास्ट मैरिज प्ले इन हेल्पिंग टू ब्रेक द कास्ट सिस्टम, हैज दिस लॉ अफेक्टेड द कास्ट सिस्टम इन एनी वे। देखो ये आपसे जानना चाहता है कि जो इंटर कास्ट मैरिज है क्या उसने कास्ट सिस्टम को ब्रेक करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया या नहीं किया, ठीक है। Has this law affect the caste system in any ways? क्या आपको लगता है कि किसी भी तरीके से इंटर कास्ट मैरिज ने सोसाइटी में चेंजेस लाया है? आंसर है यस। आज के डेट में देखना जो एजुकेटेड लोग हैं, वैसे बहुत कम है रूरल एरियाज में, आज भी बहुत कम है, अर्बन एरियाज में स्पेशली जो है जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एजुकेटेड हैं, वो आज भी इंटर कास्ट मैरिज को उतना ज्यादा अपोज नहीं करते, ठीक है। जो रूरल एरियाज में वो अपने ट्रेडिशन के कारण या अलग चीजों के कारण जो है आज भी अपोजिशन होती है, लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी में चेंजेस आगे आते जा रहे, डेवलपमेंट होते जा रही है, ये जो इंटर कास्ट मैरिज है इसको अब लोग एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है।
इसके कारण से क्या होता है, देखो इंटरकास्ट मैरिज अगर आप करते हो तो कल्चरली, सोशली, इकोनॉमिकली आप क्या करते हो, किसी दूसरी फैमिली से जो है अटैच होते हो, जिससे क्या होता है एक यूनाइटनेस जो है बढ़ती है। ठीक है, चलो अगला दिया देखो। डू यू थिंक योर ब्रदर एंड सिस्टर शुड रिसीव एन इक्वल शेयर इन योर फैमिली प्रॉपर्टी? अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बताना कमेंट करके कि क्या आपकी फैमिली में जो है आप अगर आप लड़के हो तो आपकी सिस्टर को, अगर आप लड़की हो तो आपके ब्रदर को जो है प्रॉपर्टी पर इक्वल शेयर मिलता है या नहीं मिलता है। इस पर तो आप कमेंट जरूर करना, बताना। ठीक है, वीडियो में यही तक देखते हैं हिंदू कोड बिल में, नहीं तो वीडियो का लेंथ क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इन द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। हमारे इंडिया में आज के डेट में कितने स्टेट हैं? आज के डेट में 28 स्टेट हैं और 8 जो है क्या है यूनियन टेरिटरीज हैं। तो ये जो 28 जो स्टेट है ना, जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उस समय सिर्फ और सिर्फ कितने स्टेट थे? 11 थे। 11 से बढ़कर 28 हो गए हैं। ठीक है, तो ये 11 से 28 की जो जर्नी है वो कैसे हुई, कैसे हमारे इंडिया में स्टेट्स बने और स्टेट्स के बनने में क्या क्या प्रॉब्लम आई, और जैसे सबसे पहला जो क्या बोलते हैं लिंग्विस्टिक बेसिस पर जो स्टेट बना था, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पर जो एक स्टेट बना था सबसे पहला, वो स्टेट था हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट विच वॉज स्टेब्लिश इन 1953, विच इज बेस्ड ऑन द लिंग्विस्टिक। तमिल तेलुगु बोलने वाले जो लोग थे उन्हीं के लैंग्वेज के बेसिस पर जो है आंध्र प्रदेश जो है पहला जो है स्टेट जो है बना था। उसके बाद फिर मराठी लोगों के लिए जो है क्या बना, महाराष्ट्र बनाया गया, गुजराती बोलने वालों के लिए गुजरात बनाया गया। ठीक है, इस तरीके से फिर अलग अलग स्टेट जो है क्या होते गए, बनते गए। तो वो जर्नी जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहो, बाय बाय।